और आ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। इसको क्या बोलेंगे? आ की मात्रा। क्या पढ़ेंगे इसको? आ की मात्रा। अब आ की मात्रा किसी भी वर्ण के पीछे लगती है, जैसे क, क को आ का डंडा लगा तो क्या बना? कार। उसके पीछे हमें आ की ध्वनि सुनाई दे रही है ना, तो वो होगी आ की मात्रा। जैसे ग को आ का डंडा लगा तो गा बना, आ की ध्वनि निकल रही है ना। इसी तरह हम और देखेंगे कि कैसे वर्ण से हम आ की मात्रा बनाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे क लिखा हुआ है, क प्लस आ का डंडा, फिर क्या बोलेंगे उसको? क्या पढ़ेंगे इसको? क प्लस आ का डंडा, आ की मात्रा लगी है तो क्या लिखेंगे? क का क लिखेंगे, फिर आ की मात्रा लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? का। क्या पढ़ेंगे? का। नेक्स्ट, ख से खरगोश दे रखा है, फिर आ की मात्रा दे रखी तो उसको कैसे लिखेंगे? ख, आ की मात्रा तो क्या बना? खा। क्या बना ये? खा। फिर ग, ग को आ की मात्रा लगी तो क्या बना? गा। क्या बना? ये ग लिख दिया, फिर ग, ग को आ की मात्रा लगाई तो क्या बना? गा। क्या बना? गा। नेक्स्ट, ये घ से घड़ी वाला है, घ से घड़ी को आ का डंडा लगाया तो क्या बना? घ को आ की मात्रा लगाई तो क्या बना? घा। क्या बना? घा। नेक्स्ट, चौ को आ की मात्रा लगाई तो क्या बना? चा। क्या बना? चा। नेक्स्ट, छ से छतरी, फिर आ का डंडा लगा दो, छ से छतरी को आ का डंडा लगा दो क्या बना? छा। क्या बना? छा। नेक्स्ट, जैसे जहाज दे रखा है, फिर प्लस करके अगर आ की मात्रा दे रखी है, उसको कैसे लिखेंगे? पहले ज लिख देना है, फिर आ की मात्रा लगा देंगे, उसको क्या पढ़ेंगे हम? हाँ? जा। क्या पढ़ेंगे? जा। नेक्स्ट, जैसे झंडा दे रखा है, फिर आ की मात्रा दे रखी है, अब इसे कैसे लिखेंगे? जैसे झंडा लिखना है, फिर आ की मात्रा लगानी, उसको क्या पढ़ेंगे? जा। क्या पढ़ेंगे? जा। आपको समझ आ गया? इसको अपने नोटबुक में नोट कर लो। ओके, अब यहाँ पे ट दे रखा है, ट प्लस आ की मात्रा, तो इसे कैसे लिखेंगे? ट का ट लिखेंगे, फिर आ की मात्रा लगाएंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? टा। क्या पढ़ेंगे? टा। नेक्स्ट, हमें ठ से ठटेरा दे रखा है, फिर आ का डंडा दे रखा है, तो यहाँ पे ठ से ठटेरा लिखना है, फिर आ की मात्रा लिखनी है, क्या पढ़ेंगे इसको? था। क्या पढ़ेंगे? था। नेक्स्ट, हमें ड से डमरू दे रखा है, फिर आ की मात्रा दे रखी है, ड से डमरू लिखना है, फिर उसके बाद में आ की मात्रा लगानी है, तो क्या पढ़ेंगे? डा। क्या पढ़ेंगे? डा। नेक्स्ट, हमें ढ से ढक्कन दे रखा है, तो ढ से ढक्कन लिखना है, फिर प्लस करके आ की मात्रा दे रखी तो आ की मात्रा लिखनी है, इसको क्या पढ़ेंगे? ढा। आपको समझ आ गया? इसी तरह आपको ज तक भी करना है। ओके, और नेक्स्ट हम और वर्णों को मिला के आ की मात्रा के शब्द बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, तो आ की शब्द बनाएंगे आ की मात्रा से। ओके, यहाँ पे अ प्लस आ की मात्रा, फिर प्लस, फिर म दे रखा है, तो आपको कैसे लिखना है चलिए हम सीखते हैं। अ लिखना है पहले, फिर आ की मात्रा दे रखी है, आ की मात्रा लगानी है यहाँ पे, फिर क्या लिखा है? हाँ, म। क्या पढ़ेंगे? आम। क्या पढ़ेंगे? आम। नेक्स्ट, ह दे रखा है, तो हमें ह लिखना है पहले, फिर आ की मात्रा दे रखी है, तो आ की मात्रा लिखनी है यहाँ पे, फिर र दे रखा है, तो क्या पढ़ेंगे? हा र। क्या पढ़ेंगे? हार। ओके, नेक्स्ट हमें न दे रखा है, तो न लिख दिया यहाँ पे, फिर आ की मात्रा दे रखी है, तो आ की मात्रा लगानी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? न को आ का डंडा लगा तो क्या बोलेंगे? ना। क्या पढ़ेंगे? ना। इसके बाद में यहाँ पे क्या दे रखा है? म, इसके पीछे म लगाएंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? नाम। क्या पढ़ेंगे? नाम। समझ आ गया आपको? इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ओके, चलिए और कुछ शब्द बनाना हम सीखते हैं। यहाँ पे म दे रखा है, फिर प्लस, फिर आ की मात्रा, फिर प्लस, फिर ल, फिर प्लस, फिर आ की मात्रा, तो इसे कैसे करेंगे चलिए हम सीखते हैं। पहले आपको म लिखना है, फिर आ की मात्रा दे रखी है, तो आ की मात्रा लिखनी है, फिर आपको क्या दे रखा है? ल, तो आपको ल लिखना है,
फिर क्या दे रखा है आगे मात्रा, तो यहाँ पे आगे मात्रा लिखनी है तो क्या पढ़ेंगे, माला, माला, क्या पढ़ेंगे, माला। नेक्स्ट हमें ज दे रखा है तो हम ज लिखेंगे यहाँ पे, फिर आ की मात्रा दे रखी है तो आ की मात्रा बनाएंगे यहाँ पे, फिर हमें न दे रखा है न लिखेंगे, फिर आ की मात्रा दे रखी है तो आ की मात्रा लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या पढ़ेंगे, जाना, क्या पढ़ेंगे, जाना। नेक्स्ट हमें ग दे रखा है तो ग से क्या होता है, गमला, ग लिख दिया, फिर आ की मात्रा दे रखी है तो उसके पास में आ की मात्रा लगाएंगे हम, फिर न दे रखा है न लिखेंगे, फिर आ की मात्रा लगाएंगे, समझ रहे हैं, फिर क्या पढ़ेंगे इसको, गाना, क्या पढ़ेंगे, गाना। आपको ये समझ आ गया, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अनदर अपडेट्स। थैंक यू।